अच्छा जी, पाकिस्तान की बागडोर जो है वो बाबर आजम के हाथों में एक दफा से फिर आ चुकी है। बहुत से फैंस, बहुत सी पब्लिक चाहती थी कि बाबर आजम दोबारा कैप्टेंसी को ज्वाइन करें, लेकिन वहीं पर कुछ लॉयल फैन, कुछ समझदार फैन, कुछ क्रिकेट कोई समझ बूझ को रखने वाले फैंस चाहते थे कि बाबर आजम जो है वो कैप्टेंसी ला ले। उसके पीछे दो वजूहात हैं, हम उस दोनों वजूहात पर आज बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फैंस के बारे में जो के चाहते थे कि बाबर आजम कैप्टन बने। उनके पीछे क्या लॉजिक थी, उनके पीछे उनकी, मैं अगर कहूं कि बिल्कुल भी कोई नेगेटिव बात नहीं थी, ये उनका प्यार है, ये उनका खलूस है, क्योंकि वो बाबर आजम को एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं, एज अ कैप्टन उनको पसंद करते हैं, उनकी जेस्चर को पसंद करते हैं, उनकी जनाब एज अ बीइंग कैप्टन वो उनके सर पर ताज रहे वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनके पीछे इसके बढ़कर उनकी कोई सोच होती नहीं है कि आखिर कैप्टेंसी के लिए क्या जरूरी होता है, कौन से कामयाब कैप्टन होते हैं, किस तरह से बाबर आजम कामयाब होंगे, नहीं। लेकिन उनके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमने बाबर आजम को कैप्टन देखना है, और बस अगर वो कैप्टन बन गया ना तो बस हमारे दिल को जो है वो तसल्ली हो गई है, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग जो क्रिकेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, वो चाहते थे कि बाबर आजम कैप्टन ना बने। उनके पीछे क्या वजूहात थी, उनके पीछे सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह यह थी कि वो चाहते थे कि बाबर आजम तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ें, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, उनके माइंड से कैप्टेंसी का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाए, उनका लोड जो है वो कम हो जाए, और सिर्फ अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो दें। और ये बात हमने बहुत से अपने हमसाया ममालिक से भी देखी है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई ग्रेट बैट्समैन जो है वो बहुत ही कामयाब कैप्टन साबित हो। आपने इमरान खान की मिसाल देख ले, चाहे उनकी बैटिंग की एवरेज वो नीचे नंबर पर आते थे, लेकिन उनकी बैटिंग भी मुतासिर नहीं हुई, उनकी एवरेज भी मुतासिर नहीं और वह नहीं हुई और वह कामयाब कप्तान हुए। ऐसा हमने महेंद्र सिंह धोनी में भी देखा कि उनकी एवरेज जो है बहुत ही ज़बरदस्त रही और साथ साथ वो कामयाब कैप्टन भी हुए। लेकिन वहीं पर हम अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं, बहुत से लोग विराट कोहली के फैन हैं, एक बड़ा लंबा चौड़ा उनका जो है फैन फॉलोइंग क्लब है, वहीं पर वो भी जो है कोई एज अ कैप्टन बड़ी ट्रॉफी नहीं उठा पाए, और सेम सिचुएशन जो है वो हमारे बाबर आजम के साथ है। मेरी बात हकीकत पर मबनी है, मैं एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, मैं खुद बाबर आजम को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, फॉलो करता हूं, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। आप इस बात को मान लें, समझ लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि एक कैप्टन जो है वो बारहा जो है वो अच्छा जनाब बैट्समैन भी हो, कई जगह हमने देखी है। लेकिन अगर आप बाबर आजम की बात करते हैं, अब तो बाबर आजम को कैप्टेंसी मिल गई है ना, लेकिन अब उन्होंने करना क्या है, अब उन्होंने एक जनाब अपने मेंटली लेवल को चेंज करना है, अपने डिसीजन मेकिंग को उन्होंने चेंज करना है। अब उनके पास एक लंबा चौड़ा जो पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, जहां पर उन्होंने बहुत सी ट्रॉफीज के फाइनल्स हारे, सेमीफाइनल्स हारे, अब उनके पास एक बड़ा मौका है कि वो इस हिस्ट्री को बदल सके, एक नया रिकॉर्ड बना सके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जितवा सके। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपने अपने दिल की सुननी है, अपने दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट करना है और ब्रेव डिसीजंस लेने हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लें, कूल रहते हैं, काम रहते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजंस को लेना जानते हैं, वो अपनी टीम को लड़वाना जानते हैं। अब पेपर पर टीम क्या होगी, वो कैप्टन की मर्जी के बगैर फाइनल नहीं होती। अब बहुत सी जिम्मेदारियां बाबर आजम के पास हैं कि अब उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लेना है। अगर फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहा तो भाई साइड पे लगा दो उसको, उनकी जगह किसी और प्लेयर को कैरी करो, उस्मान खान को कैरी करो। अगर आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको रिप्लेस कर दें। आपने यारी दोस्ती को अब नहीं देखना। शादाब खान अगर अपनी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर रहे तो भाई उसामा मीर को चांस दो, इब्रार अहमद को चांस दो। तो अब कहीं ना कहीं बाबर आजम को अपना ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस मिला है। बट अगर वो ये ट्रैक रिकॉर्ड कामयाबी से नहीं कर पाते तो आखिर होगा क्या, बाबर आजम आपको T20 के कैप्टन नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद रिजवान उनकी रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ फर्क ये आया है इस दफा, वो इस दफा भी रेडी थे मोहम्मद रिजवान, लेकिन फर्क सिर्फ ये आया है कि जनाब यहां पर भी फेवरेटिज्म किया गया, बाबर आजम को जबरदस्ती थोपा गया हम पर और उनको कैप्टन बनाया गया। और अगर बाबर आजम फ्लॉप हो जाते हैं तो होगा क्या, बाबर आजम डायरेक्टली कहेंगे कि भाई मैंने तो कैप्टेंसी मांगी नहीं थी, मुझे तो क्रिकेट बोर्ड ने खुद दी है,
मैं तो नहीं चाहता था कि आप मुझे कैप्टेंसी दें, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके सामने आएंगी। ये न्यूजीलैंड सीरीज एक दफा से फिर साबित होगी कि बाबर आजम किस तरह से किस ट्रैक पर चलेंगे, क्या उनकी पिछली कैप्टेंसी में फर्क आएगा या ये जो अब वो नए सिरे से कैप्टेंसी करेंगे उसमें फर्क आएगा। ये न्यूजीलैंड सीरीज में काफी चीजें वाजिया हो जाएंगी। वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी से हटाना नहीं चाहिए था, किसी सूरत भी उनको हटाना नहीं चाहिए था, कम से कम उनको न्यूजीलैंड की सीरीज देनी चाहिए थी ताकि एक सीरीज की बुनियाद पर आप कैप्टन को नहीं हटा सकते। तो मैं शाहीन शाह अफरीदी का पक्का वोटर हूं इस बात में कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी से नहीं हटाना चाहिए था। सेकेंडली, बाबर आजम को कैप्टेंसी नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपको चेंज ही करना था, पहली बात तो चेंज करना चाहिए था ही नहीं ना, और अगर आपको चेंज करना ही था तो जनाब आप शाहीन शाह अफरीदी की जगह रिजवान को रिप्लेस कर देते, बाबर आजम को फोकस रहने दें, बाबर आजम को अपनी क्रिकेट खेलने दें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने दें। और ये पाकिस्तान के बाबर आजम एक वाहिद वो प्लेयर है, सबसे पहले इमरान खान की बहुत ही फैन फॉलोइंग थी, शुएब अख्तर, वकार, यूनस, नो डाउट सबकी बहुत फैन फॉलोइंग थी, लेकिन बाबर आजम इस एरा के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अब बाबर आजम को ये सोचना है कि अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है, जो पीछे हो गया खत्म करो, बात गुजर गया, पिछले रिकॉर्ड्स को आपने सोचना ही नहीं है कि मैंने कितनी ट्रॉफीज हारी, लेकिन अब आपने एक नई टीम के साथ, एक नए जज्बे के साथ अपनी ग्राउंड में टीम को उतारना है और आखिरी गेंद तक लड़वाना है, ब्रेव डिसीजंस लेने हैं। बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेफ्ट इट आउट, बाहर निकाल दो उसको, दूसरे प्लेयर को चांस दो। और सबसे बड़ी बात, एक बात जो मैं एंड पर कहना बिल्कुल ही जनाब कहना चाहूंगा कि उस्मान खान का अब पूरे का पूरा फ्यूचर जो है वो बाबर आजम के हाथ में है, कि वो कितना कॉन्फिडेंस देते हैं उस बच्चे को जिसने अपना सारा कुछ छोड़कर जनाब पाकिस्तान को सर्व करने के लिए ईसीबी से पंगा लिया, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को छोड़ा, 5 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है उनको। वहीं पर अगर बाबर आजम उस्मान खान को सपोर्ट नहीं करते तो उस्मान खान के लिए बहुत ही बड़ी ज्यादती होने वाली है, क्योंकि उस्मान खान नो डाउट हैव अ ग्रेट स्ट्राइक रेट, हैव अ ग्रेट एबिलिटीज, उनके पास पावर है, उनके पास एंथुसिस्टिक है, और वो जानते हैं कि किस तरह से बॉल को जो है बाउंड्री से बाहर पहुंचाना है। तो उस्मान खान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन की जो है सपोर्ट जरूरी है। लेकिन बाबर आजम को रिजवान से दोस्ती, शादाब खान से दोस्ती और जनाब दूसरी टीम मेंबर्स के साथ दोस्ती को खत्म करना पड़ेगा, टीम को लेकर चलना पड़ेगा, एक मकसद के लिए लेकर चलना पड़ेगा। और अगर बाबर आजम अग्रेसिव कैप्टेंसी करते हैं, फियरलेस कैप्टेंसी करते हैं, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि बाबर आजम एज अ कैप्टन भी अब लोगों का माइंड चेंज करें। और वो माइंड किस तरह से चेंज होगा, अपने डिसीजंस की बुनियाद पर। आप चाहे हार जाओ मैच, लेकिन लड़ो तो सही, एक आपकी डिफरेंट सोच हमें नजर तो आए। वहीं पर देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह से कैप्टेंसी करते हैं। लेकिन दोनों फैंस की बात मैंने आपके लिए रखी, एक जो फैंस चाहते थे कि बाबर आजम कैप्टन बने तो उनकी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है, और कुछ फैंस जो चाहते थे कि बाबर आजम कैप्टन ना बने उनकी सोच भी बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो दोनों सोच जो है बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी बाबर आजम की बात होती है। तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की जीत के लिए बोलते हैं, जीत देखना चाहते हैं, जीत का मजा दुबाला करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस जो है वो जनाब हम सबको नजर आ रहा होता है कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भी बाबर आजम के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या बाबर आजम की कैप्टेंसी लेना ठीक है या नहीं ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।